इतिहास में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी हैं, बहुत कुछ ऐसा हुआ है जहां पर चेतावनियां दी गई, वार्निंग्स दी गई, लेकिन उन्हें इग्नोर कर दिया गया, उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक न्यूज़पेपर स्टोरी में यह पढ़ा कि एक 58 साल की औरत थी, उसके सामने ये एक बोर्ड लगा हुआ था, एक साइन लगा हुआ था कि आगे फ्लड हुआ है, बाढ़ आई है और इस कारण रोड को क्रॉस ना करें। लेकिन इसके बजाय ये सब कुछ देखने के बावजूद भी उसने इस चेतावनी को, इस साइन को इग्नोर किया और वो आगे बढ़ी। जैसे ही वो आगे बढ़ी तो वो पूरी तरह से उस बाढ़ में बह गई और तुरंत इमीडिएटली उसकी मौत हो गई। अब मौत क्यों हुई? क्योंकि पानी जो सरफेस पर दिखाई दे रहा था वो तो चाहे इतना गहरा नहीं था, लेकिन उसमें इलेक्ट्रिक शॉक था, उसमें कोई ऐसी इलेक्ट्रिसिटी की तारें थी जो बिछ गई थी, जिसके कारण खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया था एंड उसके कारण इस औरत की तुरंत मौत हो गई। तो वार्निंग साइन, ऐसे जो संकेत लगे होते हैं, ये हमारी जान के लिए या हमारी भलाई के लिए ही होते हैं, लेकिन अगर हम इन्हें इग्नोर कर देते हैं, इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं, तो ये हमारी जिंदगी के लिए, हमारी जान के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। और इतिहास की एक बहुत ही भयानक दुर्घटना 1912 शायद आप सबको याद होगा, जब वो हुआ जो होना नहीं चाहिए था। टाइटैनिक, एक बहुत बड़ा जहाज जिसके बारे में कहा जा रहा था कि ये कभी डूब नहीं सकता, वो डूब गया। और उसके डूबने की वजह कौन बना? एक आइसबर्ग, एक बर्फ का पहाड़। अब बर्फ के पहाड़ के बारे में एक अमेजिंग बात यह है कि ये बर्फ का पहाड़ जब ऊपर सरफेस पर दिखाई देता है तो ये बहुत ही थोड़ा सा दिखाई देता है, लेकिन इसकी गहराई नीचे ये बहुत ही बड़ा होता है। और जब टाइटैनिक जहाज इसके साथ टकराया तो वो ऊपर से नहीं टकराया, वो जहाज नीचे से ही, साइड से ही टकरा कर गया था। और हिस्टोरियंस इस बात के ऊपर गवाही देते हैं कि तकरीबन 5 वार्निंग साइंस दिए गए, 5 बार चेतावनियां दी गई इस टाइटैनिक जहाज को कि आगे मत बढ़ो और ध्यान रखना आगे बर्फ की पहाड़ियां हैं, आइसबर्ग्स हैं, लेकिन उन चेतावनियों को इग्नोर कर दिया गया। और ये तो मैंने आपको 1-2 इंसिडेंट ही बताए हैं, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जहां पर जो चेतावनियां दी गई, जो वार्निंग्स दी गई, उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया, इन चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया गया, और जिसका नतीजा, जिसका रिजल्ट यह निकला कि लोगों की मौत हुई, भारी नुकसान हुआ। और दिन प्रतिदिन की हमारी जिंदगी में हमें ये चेतावनियां मिलती हैं, कई बार हमारी सेहत को लेकर, हमारे बॉडी को लेकर, हेल्थ को लेकर, कि तुम्हें वो नहीं खाना चाहिए जो तुम लगातार खा रहे हो, ये तुम्हारे लिए एक बड़ा नुकसान बन सकता है। स्पीड कंट्रोल को लेकर वार्निंग साइन हमारे सामने हमें दिन प्रतिदिन रोड के ऊपर दिखाई देते हैं कि इतनी स्पीड से ज्यादा आपको गाड़ी नहीं चलानी है, लेकिन अगर कोई लिमिट्स को क्रॉस करता है तो उसका भारी नुकसान, उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। जब हम काम पर जाते हैं या जॉब पर जाते हैं तो वहां पर भी चेतावनियां, वार्निंग्स दी जाती हैं कि तुम्हारा काम सही नहीं है, तुम प्रोडक्टिव नहीं हो, तुम पंक्चुअल नहीं हो, टाइम पर नहीं आ रहे हो। तो ऐसी लगातार दिन प्रतिदिन की हमारी जिंदगी में हमें चेतावनियां, वार्निंग्स देखने को मिलती हैं। और ये सेम चीज हमारी आत्मिक जिंदगी के लिए भी अप्लाई होती है। जब परमेश्वर हमें किसी चीज को लेकर, किसी खतरे को लेकर सावधान करते हैं, हमें वार्निंग देते हैं, तो ये बड़ी बुद्धि मनी की बात होगी कि हम उसके ऊपर भरोसा करें। क्योंकि भले ही अगर हम उस खतरे को हमारे सामने ना देख सके, लेकिन फिर भी बुद्धि मनी या समझदारी इसी में है कि हम खुदा की कही हुई बात के ऊपर भरोसा रखें। क्योंकि जिसने मुझे और आपको बनाया है, जिसने सारी कायनात को रचा है और जो हमारी शुरुआत से लेकर हमारे एंड तक को जानता है, तो ये ऑलवेज बड़ी ही अच्छी बात है, ये समझदारी की बात है कि हम उसके ऊपर भरोसा रखें जो हमारी हर एक बात से, ख्याल से, काम से, फ्यूचर से वाकिफ है। तो आज हम इस वीडियो में 5 चेतावनियों को देखेंगे जो हमें पवित्र बाइबल में, परमेश्वर के वचनों में देखने को मिलती हैं। और इन चेतावनियों में से, इन वार्निंग्स में से बहुत सारी ऐसी वार्निंग्स हैं जिन्हें हम मसीही लोग इग्नोर कर रहे हैं, नजरअंदाज कर रहे हैं। लेकिन आज वक्त है कि हम इन चेतावनियों के ऊपर ध्यान दें, इन्हें नजरअंदाज ना करें, क्योंकि ये हमारे भले के लिए है। अब सबसे पहली जो चेतावनी है, ये एक बहुत ही सख्त, कठोर है, बहुत से लोगों को अनकंफर्टेबल करने वाली है, लेकिन ये बहुत ही जरूरी चेतावनी है कि हमारे सामने एक ऐसी अपॉइंटमेंट आ रही है, एक ऐसी मीटिंग आ रही है जिसे ना तो हम रद्द कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, और ना ही इसे हम पोस्टपोन कर सकते हैं। यस, आई एम सेइंग द अनमिसेबल अपॉइंटमेंट।
अनमिसेबल अपॉइंटमेंट। जब हम पढ़ते हैं इब्रानियों अध्याय 9 और उसके वचन 27 में, हिब्रूज चैप्टर 9 वर्स 27, यहाँ पर यू लिखा है, एंड इट इज अपॉइंटेड अनटू मैन वंस टू डाई एंड आफ्टर दिस द जजमेंट, कि इंसान के लिए ये ठहराया हुआ है कि एक बार उसे मरना है और उसके बाद न्याय का होना जरूरी है। ओके, तो बाइबल हमें यहां पर बिल्कुल क्लियर कर रही है कि दो ऐसी अपॉइंटमेंट्स हमारे सामने आ रही हैं जिससे हर एक इंसान को, जो भी इस दुनिया में आया है, जिसने भी जन्म लिया है, हर एक को अटेंड करना पड़ेगा। सबसे पहली है मौत यानी मृत्यु, और दूसरा है मृत्यु के बाद न्याय, अदालत का होना, जजमेंट का होना। मत्ती अध्याय 12 और उसके वचन 36 में प्रभु यीशु भी क्लियर करते हैं कि मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे। But I say to you that every idle word that they will speak, men will give an account concerning it in the day of judgment। मतलब हर बात का न्याय जरूर होगा, जो भी हम कहेंगे, सोचेंगे या जो भी काम हम करेंगे, हर एक चीज का न्याय होगा, हर एक बात का लेखा देना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले ये वचनों में बात करता है या बताता है मौत के बारे में, कि मौत, हर एक को मरना जरूरी है। मौत एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हम सोचना या जिसके बारे में हम बात करना नहीं चाहते हैं। अगर कोई बात करता है घर में तो तुरंत उसे चुप करा दिया जाता है कि नहीं, ऐसे शब्द तुम्हें अपने मुंह से निकालने नहीं चाहिए। लेकिन ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हमें सोचना और जिसके विषय में हमें तैयार होना बहुत ही जरूरी है। एक पास्टर ने प्रचार करते वक्त ये कहा कि बहुत से लोगों को लगता है कि जो अनंत की जिंदगी है वो अभी बड़ी दूर है, हमसे काफी दूर है। लेकिन आपको उस अनंत काल में प्रवेश करने के लिए क्या करना होगा? सिर्फ कुछ ही हमारी हार्ट्स बीट, दिल की धड़कने रुकी, थोड़ी देर तक रुकी, एंड यस वी आर देयर, हम वहां पर पहुंच जाते हैं। जैसे हमारी धड़कने रुक जाती है, जैसे हम सांस लेना बंद कर देते हैं, तो हम उस अनंत काल में प्रवेश कर जाते हैं। और ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल पूरी तरह से प्रैक्टिकल है। जब हम पढ़ते हैं याकूब अध्याय 4 और उसके वचन 14 में, यहाँ पर यूं लिखा है कि और ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम तो मानो धुंध के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है और फिर लोप हो जाती है। यू हु डू नॉट नो द थिंग ऑफ टुमारो, What is your life? For you are a mist that appears for a little and then disappears. फिर लोप हो जाती है। तो ये जो चेतावनियां वचनों में दे रहा है हमारी जिंदगी और मौत के बारे में, मैं चाहता हूं कि हम इन चेतावनियों को और इन बातों के ऊपर ध्यान दें, इन्हें नजरअंदाज ना करें। और इन सब को कहते हुए मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूं, आपको भी और अपने आप को भी, कि जो वक्त, जो समय हमें दिया गया है, ये बहुत ही बहुमूल्य है। This is a precious time. Do not waste it and do not ignore the warnings of God. जो वक्त है वो भाग रहा है, वो भागता है। जो आपको समय दिया गया है वो आज ही का है, yes, आज ही का, अभी का, क्योंकि कल का या अगले पल का आपके साथ, मेरे साथ कोई भी वायदा नहीं किया गया है। और इससे बेहतर समय क्या होगा कि आज इसी वक्त, अगर अभी भी आप खुदा से दूर हैं, तो अभी भी आपके पास मौका है, अभी आपके पास वक्त है कि आप अपनी जिंदगी मसीह यीशु के हवाले कर दें, अपने सारे गुनाहों से पश्चाताप करें, उन्हें मान लें जो कुछ भी आपने किया है, और विश्वास करें प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जो आपको और मुझे अनंत जिंदगी देने के लिए आए हैं। आज का मौका आपके पास है। वचन में लिखा है कि टुडे इज द डे ऑफ सॉल्वेशन, कि उद्धार का दिन आज ही का है। अभी आपके पास मौका है कि आप अपनी जिंदगी प्रभु यीशु को दे सकते हैं, उसे अपना उद्धार करता, अपना मुक्तिदाता कबूल कर सकते हैं। ओके, तो ये थी पहली। दूसरी वार्निंग है गेटवे को लेकर। गेटवे मतलब दरवाजा, जहां से होकर चीजें गुजरती हैं। हर एक इंसान की जिंदगी में एक ऐसा एरिया है, हर एक की जिंदगी में, जिसे उसे पूरी तरह से गार्ड करना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए, उसे संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि उसकी पूरी जिंदगी उसी के ऊपर डिपेंड करती है। जो कुछ भी होगा उसी के ऊपर डिपेंड करता है, और वो है हमारा हृदय, हमारा दिल, yes, our hearts। नीति वचन अध्याय 4 और उसके वचन 23, Proverbs chapter 4 verse 23, यहाँ पर यो लिखा है, guard your heart more than all keeping, for from it are the sources of the life। 23 में लिखा है हिंदी में कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर,
हिंदी में लिखा है मन, इंग्लिश में लिखा है हार्ट, मतलब दिल की रक्षा कर रहे हैं, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। जिंदगी का जो मूल स्रोत है वही है, मतलब सब कुछ जीवन की धाराएं इसी ही से निकलती हैं। तो वचन हमें अपने दिल को, अपने हृदय को सुरक्षित रखने के लिए, मन की सिक्योरिटी करने के लिए क्यों कह रहा है, क्यों वचन में कहता है कि इसकी रक्षा कर? वेल, क्योंकि शैतान का भी सबसे जरूरी अटैक मेरे और आपके हृदयों के ऊपर है कि वो इसे हर उस गंदी चीज से भर कर रखे जो आपको परमेश्वर से दूर रख सकती है। भजन संहिता 141 और उसके वचन 4 में दौद लिखते हैं, साम्स 141:1 कि मेरा मन किसी बुरी बात की ओर फिरने ना दे। इंग्लिश में डू नॉट लेट माई हार्ट बेंड टुवर्ड एनी इविल थिंग, किसी बुरी बात की ओर फिरने ना दे, मैं अनर्थकारी पुरुषों के संग दुष्ट कामों में ना लगूं और मैं उनके स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं में से कुछ ना खाऊं। तो हमारा जो मन है, हमारा जो हृदय है, हमारा जो दिल है, ये एक बैटल ग्राउंड है, एक युद्ध का मैदान है, जहां पर हमारी जिंदगी की सबसे ज्यादा जरूरी लड़ाइयां लड़ी जाती हैं, सबसे ज्यादा जरूरी संघर्ष हमारी जिंदगी का यहीं पर होता है। अच्छाई और बुराई का युद्ध, गुड और इविल का युद्ध हमारे दिल में ही होता है। परमेश्वर और मूर्तियों का युद्ध, मूर्तियां चाहे हमारे मन की हो या अर्थ की, दुनिया की कोई भी चीजें हो, इनका युद्ध भी यहीं पर होता है। सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले प्रार्थना करनी है या नहीं करनी है, ये डिपेंड करता है, इसका संघर्ष भी हमारे मन में, हमारे दिल में ही चलता है। रात को सोने से पहले प्रार्थना करनी है नहीं करनी है, कितना वक्त परमेश्वर के साथ उसके वचनों को सुनने में बिताना है, वचनों को पढ़ना है, इसका संघर्ष भी हमारे मन में, हमारे दिल में ही होता है। और यही कारण है कि परमेश्वर हमें कहते हैं कि हमारे मन की, हमारे दिल की रक्षा करो, अपने मन की सिक्योरिटी करो, क्योंकि सबसे बड़ा अटैक और सबसे बड़ी जो जिंदगी के स्रोत है वो यही से निकलते हैं, इसी से निकलते हैं, अटैक्स भी इसी के ऊपर होते हैं। और हमें बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है कि हम अपने, हमारे हृदय में, हमारे दिल में, हमारे मन में क्या चलने दे रहे हैं और किस चीज को हमारे ऊपर हैवी होने दे रहे हैं, क्योंकि डिसाइड वहीं से होगा। ओके, तो तीसरी चेतावनी है, बी हम्बल, नम्र बने। यस, नम्र बने रहे। जब हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 और उसके वचन 12 में, First Corinthians chapter 10 and verse number 12, यहां पर यू लिखा है, इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूं, जो समझता है कि मैं स्थिर हूं, वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। Therefore the one who thinks he stands, let him be careful that he might not fall. तो यहां पर इस वचन का असल में मतलब ये है, जो वचन मैसेज हमें कन्वे करने की कोशिश कर रहा है वो ये है मैसेज कि जो इंसान को लगता है कि ओके, मैं अब फर्म हूं, स्ट्रांग हूं, मजबूत हो गया हूं, मैं किसी गुनाह में गिर नहीं सकता हूं, मुझे कोई पीछे नहीं हटा सकता है, मैं प्रभु से दूर नहीं जा सकता हूं, या जो इस बात के ऊपर घमंड करने लगे कि आप, मैं अब कुछ बन गया हूं, मैं पीछे नहीं हट सकता, मुझे कोई पाप दबा नहीं सकता, शैतान की कोई ताकत मुझे गिरा नहीं सकती, शैतान का मेरे पर कोई संघर्ष नहीं है, तो उस इंसान को बहुत सतर्क रहने की, सावधान रहने की जरूरत है। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप जब किसी चीज को अचीव कर लेते हो, कुछ हासिल कर लेते हो, किसी चीज में सफल हो जाते हो, तो कभी भी इस बात में घमंड ना करें, कभी भी इन चीजों को लेकर ये ना फखर ना करें कि अब मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। और इस चीज में कहीं ना कहीं, जाने या अनजाने में, हम इस बात का दावा कर रहे होते हैं कि हाँ, मैं कुछ बन गया हूं, मैंने कुछ पा लिया है, अब मुझे परमेश्वर की जरूरत नहीं है। और वचन कहता है प्रोवर्ब्स अध्याय 16 वचन 28 में, जब हम पढ़ते हैं कि विनाश के पहले घमंड आता है, इससे पहले कि इंसान गिरे, उसका विनाश हो, उसके पहले घमंड उसकी जिंदगी में आएगा। तो जब ये वचन जो हमने पढ़ा, जब ये हमें कहता है कि जो कोई कहता है कि मैं स्थिर हूं, वो सावधान रहे, तो यहां पर एक वार्निंग साइन है कि वो सतर्क रहे, चौकस रहे, अपने आप की रक्षा करे, कि वो अपने आप के या अपनी जिंदगी में घमंड को आने ना दे, हमेशा हम्बल रहे, नम्र रहे, प्रभु के ऊपर डिपेंडेंट रहे कि प्रभु, मैं अपने बल से नहीं, अपने जोर से नहीं, अपनी ताकत से नहीं, पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा मैं आपका हाथ पकड़कर आगे बढ़ सकता हूं, शैतान से लड़ सकता हूं, पाप को हरा सकता हूं और एक ओवरकमर वाली, एक जयवंत जिंदगी को जी सकता हूं। लेट्स ऑलवेज रिमेंबर दिस,
स्टे हम्बल, हमेशा नम्र बने रहे, नम्र बने रहे किसी बात को लेकर, किसी चीज को लेकर, किसी अचीवमेंट को लेकर, किसी सक्सेस को लेकर, सफलता को लेकर कभी घमंड ना करें, क्योंकि घमंड परमेश्वर को हमारी जिंदगी से दूर करता है। और वचन में लिखा कि जो लोग घमंडी हैं, घमंडियों का खुदा सामना करता है, उन्हें अपोज करेगा, लेकिन जो नम्र है, जो हम्बल है, उनके ऊपर खुदा अपना अनुग्रह करता है, उनके ऊपर परमेश्वर की कृपा बनी रहती है। ओके, तो चौथी चेतावनी है। ओके, मैं इसे टाइटल ये दूंगा, गार्ड योर लिटिल वेपन, कि आपका जो कि छोटा सा हथियार है उसकी सुरक्षा करें, उसकी रक्षा करें। और मैं किस हथियार की बात कर रहा हूं? यस, द टंग, जुबान, हमारे जो शब्द हैं, हमारे मुंह से निकलने वाले जो वचन हैं, ये बहुत ही पावरफुल है, ये सामर्थ्य है, ये शक्तिशाली है। प्रोवर्ब्स अध्याय 6 और उसके वचन 2 में लिखा है, नीति वचन अध्याय 6 वचन 2 में लिखा है कि तो अपनी ही शपथ के वचनों में फंस जाएगा और अपने ही मुंह के वचनों से पकड़ा जाएगा। याकूब अपने पत्र में लिखते हुए कहता है कि ये जो हमारी जुबा है, हमारी जो टंग है, ये एक जंगल की लगी हुई आग के समान है। जो जंगल में आग लगती है, ये इतनी भयानक है, ये बहुत ही भयंकर है। इसने, इस जुबान ने कई रिश्तों को तोड़ दिया है, कई रिश्ते तितर बितर हो गए हैं, बिखर गए हैं। किसके कारण? जुबान के कारण, बिकॉज ऑफ द टंग। अपनी जुबान को, अपनी टंग को रक्षा में रखना, इसे कंट्रोल में रखना, इस कारण भी जरूरी है कि ये सेम टंग, ये सेम जुबान जो हमारी है, जिसे हम यूज करते हैं परमेश्वर की महिमा करने के लिए, आराधना करने के लिए, परमेश्वर के वचनों को बोलने के लिए, फिर इसी जुबान को हम यूज करते हैं अपनी बीवी को बुरा भला बोलने के लिए, अपने हस्बैंड के विषय में बुरा भला बोलने के लिए, अपने बच्चों को हम बुरा भला बोलते हैं इसी जुबान के थ्रू, इसी जुबान को फिर हम यूज करते हैं अपने पड़ोसी को गंदी गालियां निकालने के लिए, इसी जुबान को फिर हम यूज करते हैं गंदे डेविलिक सॉन्ग्स को गाने के लिए। तो हम जो कुछ भी कहते हैं वो लोगों की जिंदगियों में बहुत बड़ा इफेक्ट डालती है। हर बात जो हमारी जुबान से निकलती है, जा तो वो लोगों को अपलिफ्ट करेगी, इनकरेज करेगी, या फिर उन्हें नीचे गिराएगी, या फिर उन्हें उदास करेगी। और यही कारण है कि वचन परमेश्वर का ये कहता है कि ध्यान रहे कि आप अपनी जुबान से क्या निकालते हो। जैसे ऑलरेडी हम पढ़कर आए थे शुरुआत में, प्रभु यीशु कहते हैं कि हर एक कीनलेस शब्द, वर्ड जो हमारी जुबान से निकलता है, परमेश्वर इसका न्याय करेंगे। ओके, तो ये थी चौथी चेतावनी। पांचवी चेतावनी है हमारे ग्रुप को लेकर, बिवेयर ऑफ द इनर सर्कल ऑफ योर लाइफ, कि आप किन लोगों के साथ संगति रखते हो, किन लोगों के साथ नाता रखते हो, कौन से लोगों को अपने आसपास रखते हो, उनसे भी सावधान रहो। क्योंकि वचन कहता है, पहला क्रंथियों अध्याय 15 उसके वचन 33 में, फर्स्ट क्रंथियों चैप्टर 15 वर्स 33 यहां पर लिखा है, डू नॉट बी डिसीव्ड, फॉर द बैड कंपनी करप्ट्स द गुड मोरल, धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। तो यहां पर क्लियरली इस वचन में चेतावनी ये है कि जिन लोगों के आसपास आप अपने आप को रखते हो, या जो लोग आपके आसपास में रहते हैं, वो आपको अफेक्ट करेंगे, वो आपको प्रभावित करेंगे, आपके ख्याल के स्ट्रक्चर को प्रभावित करेंगे, आपकी जुबान को प्रभावित करेंगे, आपके एक्शंस को भी प्रभावित करेंगे। और जो बुरे दोस्त होंगे, जो बुरी संगति होगी, वो आपको बुरा बनाएंगी, आपको बिगाड़ देगी। अब मेरे कहने का यहां पर मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमें अविश्वासी लोगों के साथ, जो लोग हमारे साथ एक विचार में नहीं है, उनके साथ बैठना नहीं चाहिए, उनके साथ संगति नहीं रखना चाहिए। नहीं, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। इसका सिंपली मतलब ये है कि हम उन्हें अपने इतने क्लोज नहीं आने देंगे, वो हमारे क्लोज सर्कल का हिस्सा नहीं बन पाएंगे, क्योंकि अगर वो बुरे काम करते हैं, बुरी चीजें करते हैं, बुरी एक्टिविटीज करते हैं, तो वो हमें प्रभावित करेंगी, हमें दूषित करेंगी। और आत्मा, पवित्र आत्मा जो हमें लीड करता है, हमें गाइड करता है, हमें पवित्रताई के रास्ते पर लेकर जाता है, हम उसे डिप्लीट करेंगे, उसे खाली करेंगे, अपनी जिंदगी की, हमारी जिंदगी में जो उसकी जगह है वो कम होती जाएगी। और इस कारण वचन ने कहा है कि जो बुरी संगति है वो अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। और हमारी एक दिन सैटरडे जूम मीटिंग में भी हमने इसके विषय में बात करी थी कि जो संत पौलुस था, उसकी जिंदगी से हमने बहुत सारी बातों को सीखा था, और उनमें से एक बात यह भी थी कि उसके इर्द गिर्द वो लोग थे जो प्रभु का पीछा करने वाले थे, जो उसे पवित्रताई में, धार्मिकता में और सुसमाचार फैलाने में इनकरेज करने वाले थे, वो लोग थे जो उसे आगे बढ़ाने वाले थे खुदा में, उसके साथ वो लोग थे जो उसके आत्मिक लेवल को और ऊपर लेकर जा रहे थे।
और हमें भी ऐसे ही जरूरतों, ऐसे ही दोस्तों की जरूरत है, ऐसे ही लोग अपने आसपास में रखने की जरूरत है, अपने ग्रुप में रखने की जरूरत है, अपने सर्कल में रखने की जरूरत है, अपने कॉन्टैक्ट में रखने की जरूरत है, जो हमें पवित्रताई के रास्ते पर आगे लेकर जाए, जो हमारा ध्यान इस संसार की बातों पर, संसार की चीजों पर, संसार के कामों पर, संसार की फिल्मों पर, संसार के ख्यालों पर नहीं, वरन पवित्रताई पर, आसमानी बातों पर, परमेश्वर की बातों पर, खुदावंद के साथ हम कैसे रहेंगे, कैसे तैयार होंगे, उसके दूसरे आगमन के लिए तैयार कैसे होना है, इन चीजों के लिए जब वो हमें तैयार करेंगे, हमें इन चीजों की तरफ हमारा मन लगाएंगे, तो ये वो दोस्त हैं जिन्हें आपको अपने सर्कल में रखने की जरूरत है, अपने कॉन्टैक्ट में रखने की जरूरत है, अपने आसपास में रखने की जरूरत है। लेकिन जो बुरी संगत है उन्हें अपनी जिंदगी के ऊपर प्रभावित होने नहीं देना है। यस, इस बात का ध्यान रखें।